आईपीएल से एक बुरी खबर सामने आ रही है। आईपीएल देखने वालों और आरसीबी के फैंस के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि आरसीबी के स्टार फास्ट बॉलर की बहन का अकस्मात निधन हो गया है, जिसके बाद हर्षल पटेल बायो बबल से बाहर चले गए हैं। यहां तक कि मैच के बाद वो अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। ये दर्दनाक खबर उस समय आई जब हर्षल पटेल मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल का मैच खेल रहे थे। शनिवार की शाम को जब मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच मुकाबला चल रहा था, तब हर्षल पटेल की बहन अर्चिता पटेल का निधन हो गया था। इस बात का पता लगते ही हर्षल मैच के तुरंत बाद एक दिन के लिए अपने घर चले गए हैं। बताया ये जा रहा है कि वो अपनी बहन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के ठीक बाद फिर से टीम को ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि क्वारंटाइन की वजह से उनको 3 दिन बायो बबल से बाहर रहना पड़ सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि उनकी बहन काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी। अर्चिता पटेल 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसीलिए हर्षल पटेल अपनी छोटी बहन के काफी करीब थे और यही कारण है कि हर्षल बहन की मौत की खबर सुनते ही अपने घर के लिए तुरंत रवाना हो गए हैं। 31 वर्षीय हर्षल पटेल गुजरात के सानंद के रहने वाले हैं। सानंद अहमदाबाद जिले में पड़ता है और वो पुणे से सीधे अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं है कि वो पुणे से सीधे अहमदाबाद गए हैं या फिर पहले मुंबई गए और वहां से अहमदाबाद की फ्लाइट पकड़ी है। हम आशा करते हैं कि इस दुख की घड़ी में हर्षल पटेल और उनका परिवार मजबूती से खड़ा रहेगा और हर्षल पटेल फिर से आईपीएल में अपना धमाल मचाते दिखाई पड़ेंगे।